हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शैम्पू मतलब हर्बल शैम्पू घर में कैसे तैयार करते वो बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये है सीका का ही 100 ग्राम, सीका का ही 100 ग्राम रीठा और 100 ग्राम आंवला ले लेते हैं हम यहाँ पर। और सभी को बीजा अगर अंदर में है तो बीज निकाल के इसे खड़ा खड़ा ही ले लीजिए। अगर आप चाहे तो पाउडर मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, और अगर आपको पाउडर मिलता है मार्केट से तो पाउडर ले लीजिए, पर ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप उसे खड़ा यूज़ करें। और ये देखिए, यहाँ पर एक चम्मच चाय पत्ती भी डाल देती हूँ। चाय पत्ती जो है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों का झड़ना कम करता है और बालों में अच्छा कलर लाता है। और ये है मेहंदी, मेहंदी भी हम यहाँ से 2 से 3 चम्मच यूज़ करेंगे। मेहंदी भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को पोषण देता है और बालों का कलर जो है उसे भी अच्छा करता है, सिल्की शाइनी बनाता है। आप चाहो तो सिर्फ रीठा आंवला सीका काई का बना सकते हो, लेकिन अगर ये सब डालोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये है आंवला पाउडर, इसे मैं घर में ही तैयार की हूँ। तो आंवला पाउडर भी हम यहाँ पर 100 ग्राम ले लेंगे। आंवला को मैं यहाँ पर मतलब सुखा के, गर्मी में जब आंवला का सीजन था तो आंवला को सुखा दी थी और उसका उसका पाउडर बना के रख दी थी। तो ये है उसका पाउडर, इसे भी इसमें डाल दीजिए। मैं यहाँ पर सभी का क्वांटिटी 100 ग्राम ली हूँ आंवला रीठा सीका काई का। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा किसी कम, आपको अगर इच्छा है तो। ज़्यादा झाग चाहिए तो आपको रीठा ज़्यादा डाल देना है। और ये है कलौंजी, तो 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी भी डाल देते हैं, क्योंकि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये दोनों जो है। और सभी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी में अच्छे से डूबे रहना चाहिए। पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए क्योंकि थोड़ा सा फूलता है सवेरे, और रात भर इसे हम डुबा कर ऐसे ही रख देंगे। जब भी आपको शैम्पू बनाना रहता है तो रात के टाइम आप सबको मिक्स करके ऐसे मिला कर रख दीजिए, और उसके बाद हम सवेरे इसे पकाएंगे। पानी अच्छे से रहना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये है सवेरे का टाइम। तो देखिए, सवेरे के टाइम में इसे पकने के लिए गैस में रख दी हूँ और इसे मैं पका रही हूँ। यहाँ पर आप पानी थोड़ा सा और डाल दीजिए, करीब 1-2 गिलास और, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से पकेगा। कम से कम इसे 20 मिनट हम पकाएंगे, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तब मतलब ये पानी इसका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए इसमें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर शैम्पू में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, सब होने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेते हैं। कोई भी पतला कपड़ा, सूती कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा हो उसमें छान लीजिए, या फिर कोई छन्नी है उसमें छान लीजिए, और अच्छे से निचोड़ के छानिए। बिल्कुल भी मतलब इसमें थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से कपड़े में बांध के छान लीजिए। और उसके बाद इसे कोई भी डब्बा या फिर कोई पुराना शैम्पू का जो डब्बा हो उसमें आप इसे स्टोर कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टोर कर ली हूँ इसे, बाद में कोई शैम्पू वगैरह डब्बे में डाल दूँगी। ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में मैं इसे लगाना भी आपको बताऊँगी। एकदम हर्बल शैम्पू है जो कि बाज़ार के केमिकल शैम्पू से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए, हम अगले वीडियो में सीखेंगे इसे कैसे लगाना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।